Yes, Drame Baaz. Well, last week, इन ड्रामेबाजों ने ऐसी ड्रामेबाजी दिखाई कि ये टीम तो ले गई ड्रामेबाज टीम ऑफ द वीक का खिताब। और आज ये लेकर आ रहे हैं दो फौजी दोस्तों की एक ऐसी दिल छू लेने वाली कहानी। सो प्लीज वेलकम टीम पटाखा एंड द ग्रुप फेस ऑफ एक्ट। अफरीदी ने जब सेंचुरी मारी थी तब हम रोए थे क्या? हाँ। अब तुम मत रो, पिछली बार वर्ल्ड कप नहीं चल रहा था बेटा। ओफो, तुम दोनों फिर से शुरू हो गए। गेम है, गेम की तरह खेलो, रिलैक्स। सर, चिट्ठी आ गई सर। की? सर, चिट्ठी आई है। ये किसका है? सर, आपका है। मेरा? हाँ सर। बड़े दिनों के बाद घर से कोई पार्सल आया है। किसकी चिट्ठी है भाई? चिट्ठी तो माँ की है। बुरा ना मानो तो हमें भी पढ़ के सुना। ठीक है, लिखती है मेरे प्यारे लड्डू। लड्डू लड्डू माँ भी ना हमारे बारे में कुछ लिखा भी है या नहीं? पढ़ता हूँ। तेरी दूरी बर्दाश्त नहीं होती, तू कब आएगा? तेरे लिए बेसन के लड्डू भेजे। वाह वाह, अकेले मत करना, उनको भी देना। और बस यार, आगे पढ़ नहीं पाऊंगा। तुम लोग मिठाई खाओ ना। अरे आओ आओ, मिठाई खाओ। संदेश से आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना। ले लड्डू खा। लड्डू? तुझे क्या लगा सारे लड्डू खत्म हो गए? तूने खा लड्डू? छक्के खाए यार। भाईजान, अगर तुम शहीद हो गए तो मुझे तुम्हारी मिठाई बहुत याद आएगी। दोस्ती बहुत निभाली यार। अब फर्ज निभाने की बारी है। अलविदा मेरे दोस्त। अलविदा। Just...
रंग तो चंद राज होती है जिंदगी बरसों तलक रोती है। वो जगह जहां पे मेरा बेटा शहीद हुआ। फरीदा, आशा, मैडम आप वहां नहीं जा सकते, हमारी सरहद यहीं तक है। बेटा, माँ के लिए कोई सरहद नहीं होती, वैसे ही जैसे धरती के लिए कोई देश नहीं होता। आओ बहन। आपसे मिलने की बहुत इच्छा थी, मगर इस तरह नहीं। अभिषेक ये चाहता था कि इसकी सबसे प्यारी चीज उसके सबसे अच्छे दोस्त को मिले। हमारे बच्चों की ये दोस्ती इन सरहदों से परे है, ये काबिले तारीफ है। उसका भी यही वादा था। ऊपर वाले ने अपनी मोहब्बत के सदके में हम सब के लिए ये धरती बनाई थी, पर मोहब्बत के दुश्मनों ने इस पर लकीरें खींच के सरहदें बना दी। ऊपर नीला आसमान है, नीचे खुली जमीन, बुलंद हौसले हैं और बेशुमार जिंदगी। तो क्यों अंतर है नामों में, हम क्यों बटे हैं मुल्कों में, जय देश कहे या जय जगत। जय जगत, जय जगत, जय जगत। ना कोई जात, ना कोई पात, ना कोई हिंदू, ना कोई मुस्लिम, ना कोई सिख, ना कोई ईसाई। ये हमारे बच्चे आज हमारे ड्रामेबाज के सेट पे हमें इतनी बड़ी सीख दे गए। इन बच्चों के लिए जोरदार तालियां प्लीज। हम सीधा बढ़ते हैं जजेस के पास। सर प्लीज। बहुत बढ़िया बेटा, ये जो मैसेज आपने दिया इस एक्ट के थ्रू और आपके मेंटर्स जिन्होंने ये स्क्रिप्ट लिखी है, काबिले तारीफ है। क्योंकि हम हमेशा हर प्रोग्राम में, हर क्रिकेट मैच में और हमारी फिल्मों में भी हम सिर्फ पड़ोसी देशों की बुराई करते हैं और जंग की बढ़ाई करते हैं, लेकिन ये जंग तो ख़त्म होना चाहिए। देयर शुड बी नो रेड लाइन। और एक दुनिया है, एक सूरज है, एक चांद है, एक दुनिया है जहां हम सब रहते हैं। ब्यूटीफुल मैसेज, वेरी वेरी नाइस। और एक्ट के बारे में कहूं, इट वाज अ ब्यूटीफुल टीम एफर्ट, वेरी 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 नाइस। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। सोनाली मैम, राइटिंग तो ब्यूटीफुल थी ही, एक्ट अच्छा था ही, लेकिन मुझे लगता है जो छोटी छोटी चीजें जो आपने की है ना, वो चीजों ने मुझे रुला दिया। जैसे एक्चुअली वो दो माएं जब आई ना, देन आई कुड नॉट कंट्रोल इट, क्योंकि इतनी डिग्निटी के साथ इन दोनों बच्चियों ने ये एक्ट को एंड किया है, वो एंड ने मुझे फिनिश कर दिया। एब्सोल्युटली जो हम कहते हैं, जो आइडियल वर्ल्ड में होना चाहिए, जिसमें जंग नहीं होनी चाहिए, सब अमन और शांति से रहना चाहिए, सब शायद मे बी जो हम नहीं कर पाए हैं, आप जो हमारी आगे की आने वाली पीढ़ी हो, आप वो बात करके दिखा दो। जय देश के अलावा हमें जय जगत बोलना सिखा दो। क्या बात होगी। जय जगत, जय जगत, जय जगत, क्या बात है। वाह, शाबाश, जकास, बिंदास, पंडू क्लास, ड्रामेबाज। बहुत 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 अच्छा एक्ट था और सभी ने, हर एक बच्चे ने इतना अच्छा काम किया। और जिस तरह से तेजस्विनी ने, तेजू ने वो डायलॉग कहा कि माँ के लिए कोई सरहद नहीं होता, माँ के लिए सरहद नहीं होता, धरती के लिए कोई देश नहीं होता। मुझे एक पुरानी बात याद आ गई कि
हम लोग, मेरा परिवार जो है वो अनडिवाइडेड इंडिया से है. आज भी मेरे फादर के पासपोर्ट में लिखा जाता है बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया. तो वो एक जमाने में हिंदुस्तान हुआ करता था, पार्टीशन के बाद पाकिस्तान हुआ. और मेरी दादी हमेशा कहती थी कि किसी ने एक लकीर खींच दी इसका मतलब ये नहीं कि हमारी मिट्टी हमारी नहीं रही. इसे बेस्ट डिस्क्राइब करने के लिए मैंने एक छोटी सी कविता कभी लिखी थी, शायद उसी की चार पंक्तियां मैं कह देता हूं. मैं हिंदू हूं और मुसलमान भी हूं. मैं हिंदू हूं और मुसलमान भी हूं. मैं सिख हूं, ईसाई हूं और इंसान भी हूं. विवेक दा ने जो इतनी अच्छी अच्छी बातें कही उनका कुछ जवाब है तुम्हारे पास शायरी में? हाँ, कविता बोलते हैं. भूल गए सब गांधी जी को, सबके मुंह पर सलमान खान है. क्या सच में पहले की तरह हमारा देश महान है? वाह, ये तुम्ही ने लिखी है? पैर कहाँ है तुम्हारे? हमारे आने वाले राइटर्स डायरेक्टर सब यहीं पे एक झुंड में. सर प्लीज स्कोर्स दे दीजिए इन्हें. दादा स्कोर्स प्लीज. Dead boy! Amazing! 9.5! ये हमारे शो के 10 नंबर ही हैं. क्या लग रहा है? 10 plus. Oh. 10! 29.5!